क्या कर रही हो? क्योंकि आपने कुकू मामू को ब्लॉक, किसी को ब्लॉक कर देने से क्या वो शख्स आपके दिल से भी निकल जाता है? शायद। प्लीज बिट्टू पापा, खुद को इतना बड़ा धोखा देने की जरूरत नहीं, और मेरे लिए तो ये कुर्बानी मत दें, इतना बड़ा बोझ मैं नहीं उठा सकूंगी। कर दिया अनब्लॉक। क्यों? जिस दिन दिल से निकल जाए उस दिन कर दीजिएगा ब्लॉक। अरे वाह, कुकू मामू का फोन, इतने फारिग बैठे दुबई में, क्या हुआ? मुझे नहीं करनी बात, मैं अम्मा की तरफ जा रही हूँ, दिल घबरा रहा है मेरा। अरे फोन तो लेती जाए, कोई जरूरत नहीं है। अरे ये बेचारा कॉल कर रहे, दूसरों की बेटियों की रुखसतियां देख देख कर रोती रहेंगी। मत छुपाएं, देख चुकी हूं मैं शर्जी भाई के घर, जुबैर भाई की बेटी की शादी का कार्ड है ना। पता नहीं तुम्हारी किस्मत इतनी ठंडी क्यों है, क्योंकि आपके बेटों और बहुओं के मिजाज जो इतने गर्म हैं। अल्लाह जाने ये कैसी नफरतें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता था, मगर शर्जी ने मना कर दिया कि वो यहाँ नहीं आएगा लड़के वालों को मिलने। आप मिलने मिलाने की बात कर रही हैं अम्मा, ये लोग तो एक दूसरे की तस्वीरें तक नहीं देख सकते। कौन सी तस्वीर? असफी और मानो की यूनिवर्सिटी की कोई तस्वीर थी। तन्नो भाभी ने सख्ती से मना किया कि घर की दीवार पर नहीं लग सकती। बता दीजिएगा, इधर भी कोई फूलों के हारों से नहीं सजाया गया उस तस्वीर को, उल्टा चुटकी और लट्टू ने ना मुंह ही काला करा दिया अपनी मानो खाला का मार्कर से। क्या तुमने कहा था? क्या मैं क्यों कहूंगा भी अम्मा, मेरी तो अपनी तस्वीर का सत्यानाश हो गया। लगता है एक आधे की जान लेकर ही सुकून आएगा यहाँ सबको। तब भी नहीं आएगा, ये नफरतों के भांभड़ इतनी जल्दी बुझने वाले नहीं। दोनों देवरानियां जिठानियां पेट्रोल की बाल्टियां भर भर के डालती रहेंगी पूरी जिंदगी उन पर। अच्छा तुम तो सुकून करो। मैं क्या खाक सुकून करूं, अपने चक्रों में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। अम्मा कल को आप ही अब्बा ना रहे तो नोच नोच के खा जाएंगे ये सब लोग मुझे। कंट्रोल क्या हो गया यार? असली तुम्हें खुदा का वास्ता, मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरी शादी करवा दो, मैं जलील होकर रह गई उन चक्रों में। अब मेरी शादी ना हुई ना तो मैंने स्विमिंग पूल में कूद कर जान दे देनी है, मैं पहले से कह रही हूँ। अरे बिट्टू शादी करा दो, तो ऐसे बोल रही है जैसे मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है मैंने। लगता है तन्नो ने आज फिर कोई जली कटी सुनाई है इसको। लो रिमोट हाथ में पकड़ के ले गई, जाकर लेकर आ। बिट्टू आपा दे दे भाई। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो जैसी आती है बेटो आपा, मैं आपको अपने फोन से बात करवा दूंगी, ठीक है? बेटो आपा क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? किसी ने कहा है कुछ आपको? अब और क्या रह गया बाकी कहने को? असली से कहकर आई हूँ मैं कि किसी भी एक्स वाई जेड से मेरी शादी करवा दे और निकलवा दे मुझे इस टॉर्चर सेल से। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? तंग आ रही हूँ मैं अपनी जिंदगी से, दोनों भाइयों के घरों में कब तक शक्ल कॉक की तरह घूमती रहूंगी? लेकिन किसी की नफरत की बुनियाद पर अपनी खुशियों का महल नहीं खड़ा कर सकती। अरे सुन लिया आपने? हाँ सुन लिया मैंने, अब और कुछ सुनने की हसरत नहीं रही मुझे। मैं क्या खाक सकून करूं, अपने चक्रों में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। अम्मा कल को आप ही अब्बा ना रहे तो नोच नोच के खा जाएंगे ये सब लोग मुझे। असली तुम्हें खुदा का वास्ता, मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरी शादी करवा दो, मैं जलील होकर रह गई उन चक्रों में। अब मेरी शादी ना हुई ना तो मैंने स्विमिंग पूल में कूद कर जान दे देनी है, मैं पहले से कह रही हूँ।